हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? सारे तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हैप्पी दुर्गा पूजा, लव यू। आप लोग बहुत एंजॉय करो ये पूजा फेस्टिवल में। आपको आज लेके जाऊंगा पूरा घुमाने के लिए, भुवनेश्वर का ऑल दुर्गा पूजा। तो यहाँ का दुर्गा पूजा का माहौल कुछ अलग ही चल रहा है, तो हम भी चलेंगे घूमने के लिए। पापा को लेके जा रहा हूँ घूमने के लिए। आप लोग देखो, एंजॉय करो आगे तक। तो गाइज, हम फिलहाल अभी जा रहे हैं सुंदरपदा में, जो बने दुर्गा माता को देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया सजाए हैं और यहाँ पे जो लाइट वगैरह है वो रात को जलेगा, ठीक है। मैं तो दिन में घूम रहा हूँ, ठीक है। रात को ड्यूटी है, ठीक है। तो आप लोग देखो आगे तक और एंजॉय करें हमारे साथ। ये लोग बढ़िया सा पंडाल बनाया गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको आगे जाकर, ठीक है। तो फिलहाल ये रहा पंडाल, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। माता दुर्गा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जय माता दी। तो ये रहा गाइस, अभी हम पहुँच चुके थे कहाँ पे, कपलेश्वर एक जगह है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी मूर्ति बनते हैं, तो यहाँ पे बनाया गया है शिव पार्वती जी। तो ओम शिव शंभु। चलो आगे तक देखते हैं। तो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं किधर, अभी पहुँच चुके हैं केउर साई चक, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया दुर्गा माता के एकदम बढ़िया सा मूर्ति बनाते। तो आप लोग देखो, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। चलो देखते हैं आगे तक, ठीक है। तो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं कहाँ पे, खरा के बैद्यनाथ, जहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति बनते। बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी फिर आगे जाएंगे, वहाँ पे एक आएगा फिर कौन सा पता है, जो मेरा फेवरेट है, और हरसाई दुर्गा पूजा। तो चलो वहाँ पे भी चलेंगे, चलो चलते। तो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं हरसाई दुर्गा पूजा में। तो आप लोग देखो, और यहाँ पे जो मूर्ति बनता है ना, बहुत ही मतलब यूनिक, हमेशा यूनिक रहता है। और इस ईयर में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देवी माँ। तो जय माता दी। तो आप लोग आगे तक देखना और हमारे साथ ऐसे ही एंजॉय करते रहो, लास्ट तक देखना ज़रूर। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ूसाही के दुर्गा पूजा के पास। तो बहुत ही अच्छा बना है, यहाँ पे भी बहुत ही यूनिक ही बनता है। तो आप लोग देखो, और अभी तो यहाँ पे देख सकते हो कि देवी माँ के आँख देख रहे हो ना, एक अलग ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो आगे तक देखो। तो गाइस, हम अभी फिलहाल कहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी पहुँच चुके हैं हम पटना साहिब के दुर्गा पूजा के पास। और यहाँ पे तो अलग ही, हमेशा अलग होता है, इस साल भी बहुत ही अलग है। और एकदम देख के ना, दिल मन पूरा एकदम शांति शांति है मेरा। तो जय माँ दुर्गा। चलो गाइस, हम अब पहुंच चुके हैं तिनमुंडिया चौक दुर्गा पूजा के पास। तो यहाँ पे हमेशा यूनिक ही बनते रहते हैं, आप लोग देख सकते हो। माँ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जय देवी माँ, जय माता दी। देन दूसरे जगह चलेंगे, तो चलो चलते हैं। तो हम फिलहाल अभी है स्टेशन पर दुर्गा पूजा के पास। यहाँ पे हमेशा यूनिक बनता ही रहता है, आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही अलग सा डेकोरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो डेकोरेशन होता है बहुत ही यूनिक होता है, हमेशा जितना भी यार मतलब यहाँ पे देवी माता बने हैं, तो यहाँ पे हमेशा ही यूनिक रहता है, ठीक है। तो चलो अंदर तक हम चल रहे हैं, ऐसे ही देखते हैं आगे तक, वो देवी माँ के दर्शन भी करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं।
तो ये रहे स्टेशन बाज़ार के देवी माँ के रूप, कुछ यूनिक क्या हमेशा यूनिक ऐसे ही रहते, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एकदम दिल खुश हो गया भाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर बने हैं यहाँ पे देवी दुर्गा माँ। तो चलो फिर दूसरे जगह चलेंगे और घूम फिर के, ठीक है चलो चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं लक्ष्मी सागर दुर्गा पूजा के पास। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी पंडाल बहुत ही बढ़िया बना है, ठीक है। तो चलो अभी दुर्गा माँ को भी देख लेते हैं कितना सुंदर बने हैं ना। तो चलो चलते हैं, यहाँ से भी दूसरे जगह चलेंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं झरपड़ा दुर्गा पूजा के पास। तो यहाँ पे कुछ मौसम ही अलग है भाई, तो आप लोग खुद ही देखो कुछ मौसम ही अलग है इधर, ठीक है। इधर का माहौल पूरा अलग है, यहाँ पे देख सकते हो कि वाइट कलर का इतना बड़ा सा पंडाल बना है देवी माँ के, बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पे आके पूरा एकदम अलग ही है, ठीक है। तो चलो अंदर भी चलेंगे और देवी दुर्गा माता के दर्शन भी करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो ये देखो कितना यूनिक चल रहा है ना, पूरा अलग ही है इधर, पूरा अलग अलग अलग, ठीक है। देख सकते हो आप कि कितना सुंदर लग रहे हैं देवी माँ इधर, ठीक है। तो चलो यहाँ से भी दूसरा जगह चलना है, तो चलो चलते हैं फिर। ज़्यादा रात होने के वजह से हम अभी बॉम्बी खाल के दुर्गा पूजा के पास है, बट अंदर नहीं जा पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मेरे को फिर से जाना पड़ा ड्यूटी। तो फिर चलेंगे नेक्स्ट डे। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते ना, बहुत ज़्यादा देर हो गया था, इसीलिए मैं दूसरे दिन ही ब्लॉग्स को इसमें मिला के मतलब पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम पहुँच चुके थे कहाँ पे, यूनिट वन दुर्गा पूजा के पास। तो ये रहे यूनिट वन दुर्गा पूजा, बहुत ही इधर भी कुछ यूनिक ही है भाई यार, इधर जो मतलब पंडाल बना है ना सबसे यूनिक है, ठीक है। सबसे अच्छे बने, मतलब इतना अच्छे बने कि बोल नहीं सकता, यहाँ पे शिव पार्वती ओम शिव शंभो। तो चलो चलेंगे दूसरे जगह अभी नया कैंप। तो अभी पहुँच चुके हैं हम नयापली दुर्गा पूजा के पास। तो यहाँ पे हमेशा तो यूनिक बनते रहते हैं, ठीक है। आप लोग इस साल देख सकते हो कि कितना अच्छे बने, और बहुत भीड़ के वजह से मैं नहीं जा पाता था यहाँ पे, हमेशा लेट होता था, ठीक है। तो इस बार बट मैं आ चुका हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अंदर चलेंगे। ये लो भाई डेकोरेशन नंबर वन, वाह मज़ा आ गया भाई यार, सच्ची बता रहा हूँ। घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है, लो इतना अच्छे बने, और क्या ही चाहिए यहाँ पे, पूरा क्या बोलते ना स्वर्ग ही स्वर्ग लग रहा है इधर सच्ची में। तो देवी माँ आपके दर्शन पा के हम भी बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। तो जय माता दी। तो ये रहे नयापली के दुर्गा माता। तो चलेंगे दूसरे जगह, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हम फिलहाल पहुंच चुके हैं रसूलगढ़ दुर्गा पूजा के पास, जो यहाँ पे सबसे हमेशा यूनिक पंडाल बनता है। तो आप लोग देख सकते हो पूरा मंदिर जैसा पंडाल है, और इसमें विराजमान दुर्गा माता। तो आगे चलो दिखाऊंगा आपको क्या पूरा डेकोरेशन कैसा बना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा यूनिक रहता है हमेशा, और यहाँ पे इतना भीड़ होता है भाई लोग, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो आगे तक चलेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग देख सकते हैं कितना यूनिक यूनिक, पूरा सब कुछ यूनिक है इधर, ठीक है। तो वाह लाइट ज़बरदस्त। तो चलो आगे तक देखो, और देवी माँ आपके दर्शन करके मेरा दिल खुश खुश, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सुंदर ही बने इधर, और आप लोग घूमो फिरो इधर, आओ और एंजॉय करो, ठीक है। तो चलो चलते फिर। तो फिलहाल अब हम पहुंच चुके हैं अभी पढ़ा सुनी में जो बने थे दुर्गा माता
के पेंडल देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये है पलाश यूनिक की पूरा अलग ही, यहाँ पे भी बहुत यूनिक बनता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट डेकोरेशन किया गया है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जगह हर जगह होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और सब ने बहुत ही यूनिक बनाए हैं, ठीक है। तो आगे ऐसे ही देवी माँ की इच्छा से बहुत और भी ज़्यादा अच्छे बने, ठीक है। तो चलो देख लो, जय माता दी। तो फिर चलेंगे दूसरे जगह, डिज्नी लैंड। तो गाइस हम आके पहुँच चुके डिज्नी लैंड। डिज्नी लैंड नहीं है, बस बनाया गया है ऐसा पेंडल। ये बनते हैं शहीद नगर दुर्गा पूजा आपके पास, बहुत ही अलग ये इधर। तो ये हमेशा ही आकर्षण होता है, ठीक है। ये लास्ट है, मैं यहाँ तक कि मतलब जितना बना सकता हूँ बना लिया है आप लोग के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि कौन सा ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ आप लोग भी घूम चुके हो, ठीक है, वो भी ज़रूर बताना। कहीं पे मिस्टेक हुआ वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो जय माता दी, अभी यहीं पर रहते हैं।